आबादी हो गई। जिस जानवर को शिकार करना नहीं आता वो शिकार बन जाता है। जिंदगी में कुछ हासिल करने वालों का एक लक्ष्य होता है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी कई सारी मूवीज की शूटिंग एक साथ कर रहे हैं। इन मूवीज में करण जौहर की भी एक मूवी है जो कि सी शंकरन बायोपिक होने वाली है। वही इस मूवी से कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बायोपिक मूवी होने वाली है। वही अक्षय कुमार हमेशा से ही बायोपिक मूवी बनाते आ रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर बायोपिक मूवीज के मामले में अक्षय कुमार हमेशा ही सफल रहते हैं। वही हर एक कैरेक्टर में अक्षय कुमार काफी आसानी से घुस जाते हैं। वही जॉली LLB के बाद एक बार फिर से शंकरा मूवी में अक्षय कुमार एक लॉयर की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग काफी तेजी से हो रही है। अब इस फिल्म में एक और नई एंट्री हुई है और वो है आर माधवन। इस फिल्म में दोस्तों अक्षय कुमार और आर माधवन दोनों दिखेंगे। पिछले साल आर माधवन ने रॉकेटरी से लोगों का दिल जीता था। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद से आर माधवन से उम्मीदें और भी बढ़ गई है। 1900 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कोर्ट रूम ड्रामा में अब अक्षय कुमार के साथ अभिनेता आर माधवन भी शामिल हो गए हैं। अक्षय कुमार और आर माधवन पहली बार सी शंकरन की बायोपिक के जरिए स्क्रीन पे साझा करते नजर आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होगी। सोर्सेस ने बताया आर माधवन ने अक्सर खुद को कंटेंट से प्रेरित फिल्मों और किरदारों के साथ जोड़ा है जिसके लिए उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। वह सी शंकरन नायर की बायोपिक की स्क्रिप्ट से चौंक गए थे और उन्होंने फिल्म में शामिल होने का फैसला कर लिया। वो एक वकील की भूमिका निभाएंगे। वही दोस्तों बात करें सी शंकरन नायर की तो सी शंकरन नायर पेशे से मद्रास हाईकोर्ट लॉयर एंड जज थे। कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। 11 जुलाई 1857 को केरला के पालक्कड़ में जन्मे नायर ने 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वह सबसे कम उम्र में मलयाली कांग्रेस अध्यक्ष भी बन गए थे। वही दोस्तों फिल्म शंकरा की घोषणा अभी तक नहीं की गई है और न ही इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का टाइटल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकर नायर होगा। फिल्म में अक्षय कुमार एक वकील और एक्टिविस्ट के रोल में होंगे। वही अनन्या पांडे उनके जूनियर की भूमिका निभा रही है। खैर दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।